Taki, 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 Re, Taki. वाओ भाई भाई, आज तुम इतना पुराना गाना सुन रहे हो. मैं तुम्हें एक गाना सुनाता हूँ, तुम इसे सुनो. ताकी 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 रूम्बा. वाओ, ये सॉन्ग तो बहुत अच्छा है. क्या आप इसका ब्रेकडाउन करोगे? हाँ भाई भाई, आज हम ब्रेकडाउन करेंगे टाकी टाकी सॉन्ग का, जिसको बनाया है डीजे स्नेक ने. तो चलो भाई भाई, पब्लिक को हाई करो. मैं हूँ भाई भाई. तो क्या हाल है भाई लोग, मैं हूँ हिमालया, सीधे हिमालय से. इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि आप कैसे बना सकते हो सैम्पलिंग करके एक हिट सॉन्ग. तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग जल्दी से इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब. म्यूजिक को लेके अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है या कोई भी डाउट है, या आप करना चाहते हो म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स, तो आप कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे DM. चलो बढ़ते हैं अब अपने डॉ की तरफ. ओके जी, तो स्वागत है आप सबका FL स्टूडियो के अंदर. देखो, गाना करके रखा है मैंने पहले से ही डाउनलोड. देखो, कोई भी गाना बनाने से पहले हम देखते हैं उसकी दो चीजें, जो कि है स्केल और टेम्पो. तो इस गाने का स्केल है सी शार्प माइनर और इसका BPM है 96. तो गाना बनाने से पहले हम सुनेंगे इसको थोड़ा सा. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. ओके, तो सबसे पहले बनाएंगे हम इस गाने की इंट्रो. इंट्रो में क्या है, इस गाने में इन्होंने फ्लूट का साउंड, और ये फ्लूट एक सैंपल है कश्मीर का. कश्मीर के सैंपल को किया है इन्होंने सैंपलिंग. तो सबसे पहले मैं आपको उस सैंपल को सुना देता हूँ. इस गाने में इस सैंपल का यूज किया गया है. जल्दी से अब मैं इस सैंपल को करूंगा ड्रैग. ये गाना है सी शार्प माइनर में, और जो हमारे पास सैंपल है वो है डी माइनर में. तो मैं इसको एक सेमी टोन पीछे करूंगा. इस गाने की इंट्रो में क्या है, हाई कट का यूज. तो मैंने भी सिंपल EQ के साथ काटे हैं इस सैंपल के हाइज, और एक ऑटोमेशन बनाई है EQ की. तो देखा आपने कितना सिंपल है ये बनाना. तो नेक्स्ट अब देखेंगे हम इस गाने की इंट्रो में और कौन कौन से एलिमेंट है. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki. तो इस गाने की इंट्रो में इन्होंने किया किक और प्रकर्शन का यूज. तो जल्दी से बनाते हैं, चलो. इस प्रकर्शन की साउंड को करूंगा मैं एक और प्रकर्शन के साथ लेयर. इस जगह पे इन्होंने एक फिलर का यूज किया है. तो चलो जल्दी से इसको भी बनाते हैं. इस किक के साथ एक प्रकर्शन और है जिसको लेफ्ट पैन किया गया है थोड़ा. अगर आप इस गाने को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनोगे तो आपको एक और इसमें प्रकर्शन का साउंड सुनाई देगा, जिसका बहुत ज्यादा कम वॉल्यूम रखा गया है इस गाने में.
इस जगह पे फ्लूट के सैंपल को किया है एक ऑक्टेव ऊपर, देखो कितना ज्यादा सिंपल बनाया गया इस गाने को और कितना ज्यादा यूनिक बनाया गया है। तो अब हम इस गाने की रिदम बनाएंगे, जल्दी से करेंगे इसके ड्रम एलिमेंट ऐड इसमें। इस गाने में मुझे किक और स्नेयर का एक पैटर्न सुनाई दे रहा है और स्नेयर के साथ कुछ प्रकर्शन को लेयर किया गया है। किक का सिंपल पैटर्न है 4x4 का। इसके बाद मुझे इस गाने में सुनाई दे रहे हैं हाई हैट। अगर आप इस रिदम को थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो आपको इसमें एक क्रैश का साउंड सुनाई देगा जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम रखा गया है, बट वो क्रैश एम्बियंस फील कर रहा है। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने ड्रम्स में एक एम्बियंस साउंड फील कर सकते हो। तो लो एंड को फिल करने के लिए किया गया है बेस लाइन का यूज, तो मैं इस बेस लाइन को बनाऊंगा 3x ऑसिलेटर के साथ। तो मैं सिंपल यहां पर कुछ सेटिंग को चेंज करूंगा। इस जगह पे इन्होंने एक लेजर साउंड का यूज किया है, सिंपल। देखा आपने, ये गाना हो चुका है बनके हमारा तैयार। तो चलो सुनते हैं इसको एक बार कि हमने क्या बनाया है। आई होप आपको इस वीडियो को देख के कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो आ गई है पसंद तो जल्दी से आप करने से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि ये आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इजी है। उस लाल वाले बटन को जल्दी से दबा दो और साथ में अपना कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप कर सकते हो इस चैनल को चेक। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक बाय। Como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito.